हेलो फ्रेंड, थंबनेल देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा आज वैनिला कपकेक बनेगा और साथ में मैं केक डेकोरेशन यानी कि केक फ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं कपकेक के ऊपर वो मैं शेयर करूंगी। तो रेसिपी फुल देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स मिक्स मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। तो प्लेन वैनिला कपकेक के लिए हमें क्या क्या चाहिए एक क्विक लुक देख लेते हैं, फिर मैं जब मिक्सिंग करूँगी तभी आप सबको बता दूँगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कपकेक ट्रे, उसमें लाइनर दे दिया है और बाकी हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है यहाँ पे सब मैंने ले लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी वैनिला कपकेक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे चीनी दे दूँगी। चीनी मैंने लिया है हाफ कप, मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ले लिया है, ये हाफ कप है, मैंने इस प्लेट में रखा है लेकिन ये हाफ कप के मेजरमेंट में है। यहाँ पे 1/4 कप ऑयल, ये मैंने नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल ले लिया है। आप लोगों को बटर चाहिए तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे बटर से ज़्यादा अगर आपको कपकेक सॉफ्ट रखना है या केक भी सॉफ्ट रखना है तो आप ऑयल अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा दिन तक केक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, वो हार्ड नहीं होगा। इसको सबसे पहले मैं मिला दूँगी। तो चीनी और जो तेल मैंने दे दिया है इसको अभी मिक्स कर लेंगे। तो इसको साइड से थोड़ा थोड़ा एक जगह पे कर लेंगे और दोबारा फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो अभी मैं मिला रही हूँ इसमें 2 एग योक के साथ, ये रूम टेम्परेचर में था। जो भी सामान आप यूज करें रूम टेम्परेचर में दीजिए, तो उससे अच्छे से ये केक रेडी होगा, कपकेक हो चाहे आपका प्लेन केक हो। तो अभी अच्छे से बीट कर लेंगे। तो इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक एक फोमी टेक्सचर में ना आए और चीनी जो हमारा है बिल्कुल ये पिघल जाए, जो कि पाउडर है फिर भी चीनी को थोड़ा मिलने में टाइम लगता है। तो ये रेडी हो गया है, अभी हम धीरे धीरे इसमें जो हमारा मैदा है वो ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर। तो इस टाइम मैं ऐड करूंगी वैनिला एसेंस, आपको जो भी एसेंस पसंद हो आप वही यूज कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर जो हमारा लिक्विड मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया 180 डिग्री में, 10 से 15 मिनट कम से कम आपके ओवन को आप प्रीहीट कीजिएगा और जब भी आप केक बनाएं 160 या 150 में केक का टेम्परेचर रखें, उससे ज़्यादा ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो मिक्सचर रेडी कर लिया है, अब मैंने ले लिया है एक स्ट्रेनर ये, और ये है 1 कप मैदा, अगर मेजरमेंट के कप पर करेंगे वही 1 कप ही है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं कि मैंने यहाँ पे जो भी दिखाया है मेजरमेंट के हिसाब से दिखाया है, और ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो बिल्कुल आप ये ना सोचे कि मैंने जो दिखाया मेजरमेंट वो गलत है, बिल्कुल नहीं है। तो अभी इसे सीव कर लेंगे, एक साथ ही कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये थोड़े से अमाउंट है। तो अभी धीरे धीरे बहुत ही आराम से इसे मिक्स करेंगे, और मैंने ले लिया है यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप मिल्क जो रूम टेम्परेचर में है। धीरे धीरे मिल्क डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो इसमें पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ, और देखिए मैं हल्के हाथ से इसे मिला रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से मिलाइएगा। जो भी मैं टिप्स यहाँ पे बता रही हूँ, जो भी मैं यहाँ पे ट्रिक्स बता रही हूँ आप लोग फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी फॉल नहीं करेगा, बहुत ही आराम से आपका केक रेडी होगा। देखिए हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, देखिए ये ऑलमोस्ट मिक्स हो ही गया है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फिर से थोड़ा सा मिल्क, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी जो है मिल्क इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सही रहे और केक हमारा जो कपकेक है वो सॉफ्ट बने। तो आप देख लीजिए कंसिस्टेंसी, देखिए ये पोरिंग कंसिस्टेंसी है, ये देखिए। तो बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी आना चाहिए। तो अभी इसे
हमें कपकेक के मोल्ड में देना है, बस इतना सा ही काम है। तो अभी बैटर को कपकेक में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 वाला जो कप है उसको ही मैंने लिया है, तो ध्यान से ये 1/4 वाला जो कप है उसमें दे देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये इसके अंदर जा रहा है, बिल्कुल फिल मत करना है, ये इसमें गैप रखना है, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक बैठ गया है, बस हमें इसके आगे नहीं भरना है इसमें, इसीलिए मैंने 1/4 कप चूज किया है, तो ये अच्छा होता है। बस ये इसके अंदर आ गया, अभी हम इसे ओवन में बेक करेंगे। ये लास्ट जो है इसमें मैं दे दूंगी, अच्छे से आराम से आप इसमें दीजिए, एक बहुत ही अच्छा सा एक लुक भी आएगा। और बस ये 1/4 कप में ही रखना, इसके आगे नहीं जाना। तो बेकिंग हो गया है हमारा डन, तो ये देखिए मैं भी निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप लिक्विड क्रीम, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए डीप फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा थिक हो जाए। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मस्कारपोने चीज़, इससे क्या होगा ना क्रीम जो है ये बैलेंस मतलब स्टेबल रहेगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारपोने चीज़, इसे अभी हम ब्लेंड कर लेंगे। और नीचे आइस भी रख सकते हैं, तो मैंने नहीं रखा है अभी। तो यहाँ पे मैं थिकनेस दिखा रही हूँ, देखिए ये जैसे चम्मच का हम उल्टा करेंगे तो ये जल्दी से नहीं गिर रहा है, देखिए तो ये थिकनेस होना चाहिए। फिर अभी वैसे भी इसको फ्रिज में रखना है स्टेबल करने के लिए, उसके बाद जब हम इसमें से फ्रॉस्टिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सेट हो जाएगा। देखिए कितने धीरे से और कितने थिकनेस है इसमें। इसको थोड़ी देर और ब्लेंड करके फिर इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, तो फिर ये अच्छे से आप फ्रॉस्टिंग कर पाएंगे। तो दूसरी बार व्हिप करने के बाद देखिए ये और फ्लफी हो गया और थिक हो गया है। तो अभी इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, अभी इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए फिर से रखना है, उसके बाद हम जब इसमें फ्रॉस्टिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट होगा। देखिए कितना अच्छा लुक आया है, सिल्की स्मूथ एक टेक्सचर। इसी तरीके से आप कोई भी कलर देके इसमें फ्रॉस्टिंग के लिए सेट कर सकते हैं, केक हो कपकेक हो, केक के जो आइसिंग करना है वैसे भी कर सकते हैं इसी तरीके से। बस क्वांटिटी बढ़ा लेना है, 1/2 कप की जगह 1 कप आप व्हिप क्रीम यूज़ कीजिए लिक्विड चिल, और मस्कारपोने चीज़ का जो जनरल मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ किया है आप पूरा बॉक्स यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए अभी इसको सेट करने के बाद 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये फ्रॉस्टिंग रेडी कर लिया है, और यहाँ पे मैं मिलाऊंगी गोल्डन कलर का, येलो गोल्डन एक कलर होता है जो, वो मैं इसमें दूंगी। थोड़ा सा कलर वेरिएशन होगा, बिल्कुल वनीला के ऊपर वाइट फ्रॉस्टिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो अभी मैं इसमें ज़रा सा मैं ऐड करूंगी, बहुत ही ज़रा सा। ये देखिए इसमें कलर ज़रा सा ऐड करके इसका भी मैं टूथपिक से थोड़ा सा इसमें मिला दूंगी, और उसके बाद मैं स्पून से इसमें सेट कर लूंगी। तो अभी पैलेट नाइफ से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। पे एक कप ले लिया, आप ग्लास भी ले सकते हैं, और ये है पाइपिंग बैग, तो इसके अंदर इसको मैं सेट कर दूंगी। आप लोग मेरा जो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग का एक पोस्ट है, मतलब इसमें वीडियो मैंने शेयर किया था, वो आप देख सकते हैं। तो आप बटर क्रीम से कैसे फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं वो भी आप लोग, क्रीम चीज़ जो फ्रॉस्टिंग है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर मैं डाल दूंगी। तो इसको अभी हम ऐसे उठा लेंगे और इसको हटा देंगे, तो मैं दिखा रही हूँ क्या होगा इसका। इस तरीके से हम हाथ के मदद से इसको यहाँ तक ले आएंगे। तो यहाँ पे जो गैप है इसको अभी हम कट कर देंगे।
जितना हो सके हमें इसे नीचे के तरफ ले जाना है। यहाँ पे इसको रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये कट कर दिया है और एक अलग से मैंने ये ले लिया है पाइपिंग बैग, और ये जो है नज़ल, इस नज़ल से हम इसको डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको इसके अंदर पहले डाल देंगे। फ्रॉस्टिंग से पहले ना एक ऐसे प्लेट ले लीजिए और जो फर्स्ट फ्रॉस्टिंग है, जो जैसे ये फर्स्ट नोजल से निकलेगा, उसको इसके तरफ रखिए, इसको तरफ। हाँ, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये देखिए, एक पहले से ऐसे बना लीजिए ताकि जितना भी इसमें हवा है वो सेट हो जाए। देखिए कहीं से भी ये ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये देखिए ड्रॉप नहीं हो रहा है, दिख रही है, दिखाई दे रहा है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम अभी बना लेंगे। तो चलिए अभी बना लेते हैं। एक और मैंने ले लिया है और मैं यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए बस सिंपल सा है, हमें रोज बनाना है। ये मैंने रेडी कर दिया, फ्रॉस्टिंग मैंने कर लिया है कंप्लीट। देखिए और थोड़े से शुगर स्प्रिंकल भी दे दिया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। न्यू जो है जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पुराने जो है उनको बहुत सारा थैंक्स। मिलूँगी फिर एक नए रेसिपी में, तब तक बाय।